बड़े महलों में बसने वाले अमीरी और अनाओं के बस बस जुबानी की इजाजत नहीं है तुम्हें, और वो मैं करूंगी भी नहीं। जब दिल चाहे सर पे आना का ताज सजाए, हाथ में दौलत की तलवार पकड़े, बदमस्त गुरूर के घोड़े पर बैठे निकल पड़े सबको मारने, ये सोचे समझे बगैर कि सबको मारने के बाद अपनी फतह की दाद हासिल करने के लिए वो हाथ किसके सामने हिलाएंगे। हाँ, और इस जंग के सबसे मजबूत घोड़े की लगाम तुमने थाम रखी है। नहीं आंटी, उसने तो मुझे मैदान से बहुत दूर एक ऊंची जगह पे खड़ा किया हुआ है। वो तो ये चाहता है कि मुझ तक पहुंचने से पहले हर चीज उससे टकराए। तुम्हारी इन मिसालों और तकरीरों से हकीकत बदलने वाली नहीं है। सही कहा आपने, हकीकत तो सामने मौजूद है, बस हम ही देखना नहीं चाहते। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, अगर तानिया इस घर में आ जाती तो आज हम सब हंसी खुशी रह रहे होते। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक वादा है तुमसे, रहोगी तुम भी नहीं यहां। आंटी, हम सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई, अभी तुमने तो कहा था कि हम लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो चलो मैदान में उतरते हैं। वैसे डैड, आपने अच्छा नहीं किया। हरबाज अंकल आपके दोस्त हैं, आप चाहते तो उन्हें सुलह का मशवरा दे सकते, लेकिन आपने तो तशद्दुद की राह दिखा दी। हम सुलह करवाने लग गए तो कर ली कमाइयां बेटा। जबानी कलामी लड़ाइयों के कोई केस नहीं बनते, थोड़ा तशद्दुद भी जरूरी है। जैसे बीवी दिन रात बक बक करके घर को सर पे उठाए रखे, कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसे ही शौहर हाथ उठाएगा केस बन जाएगा। यही फार्मूला है। थर्ड, आई एम सीरियस। बेटा जी, मैं भी सीरियस हूं। आपको नहीं लगता कि ये लड़ाई अब कभी भी खत्म नहीं होगी? कम से कम एक कुर्बानी तो मांगेगी ये लड़ाई। सो व्हाट, हमारा प्रोफेशन जराइम के लिए अदालत में जाना और पैरवी करना है। लोग क्या करते हैं, हमें क्या लेना देना। देखो बेटा, अगर तुम तानिया को लेकर परेशान हो तो ये तुम्हारा हक है, लेकिन मैं क्या करता हूं, अरबाज खान से कैसे ताल्लुक निभाता हूं, ये मेरा काम है। क्या ये अच्छा नहीं होगा डैड के जहां भी हम हों, जहां भी हमारी बात सुनी जाती हो, वहां पर हमारी वजह से लोग अमन से रहें? यार, ये यूएनए वाले किरदार अदा करना हमारा जिम्मा नहीं है। अगर मैं अरबाज खान की असफंद खान के खिलाफ मदद नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा। अरबाज खान ऐसे बैठने वाला नहीं है। लेकिन मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं मुस्बत किरदार अदा करूंगा, खसूसन दोस्तों में, चाहे सामने कोई भी हो। मैं भी। काश के ऐसा ना। गुड नाइट डैड।